हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इंडिया के यूनिकॉर्न स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज Zomato। Zomato का बम्पर लिस्टिंग हो चुका है, हम सभी लोग जानते हैं। लिस्टिंग पे ही कंपनी ने 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर दिया। पिछले 13 साल के अगर इतिहास को हम टटोल के देखें तो हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी कंपनी जिसका आईपीओ साइज 5,000 करोड़ से ज्यादा है उसमें से Zomato इज द ओनली कंपनी जिसको सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला था। तो इतना बम्पर लिस्टिंग होने के बाद सब्सिक्वेंटली अब हम सभी लोग ये विचार कर रहे हैं क्या प्रॉफिट्स बुक करके बाहर निकल जाए या इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके व्यू करें। तो इसके ऊपर कमेंट्री करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पहले क्वार्टर्स के Zomato के रिजल्ट्स आ चुके हैं और पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद अब सिचुएशन थोड़ा सा डाइसी हुआ है। देयर इज अ डिलेमा इन द माइंड व्हाट टू डू विद दिस शेयर। जैसे कि आप सभी लोगों ने क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे ही होंगे कंपनी का, एज कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर, कंपनी का ये क्वार्टर में, करंट ईयर के ये क्वार्टर में लॉसेस थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन द पॉजिटिव इज कि कंपनी के पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के जो सेल्स के नंबर थे उसके 3 times करंट क्वार्टर का सेल है। तो सेल्स में ग्रोथ है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं है। ठीक है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आ चुका है। तो सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कंपनी का सेल तो बढ़ रहा है, यानी मार्केट रीच तो बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रही। जी हाँ, ओके सर, इसके पीछे कारण क्या था? तो मैनेजमेंट ने कई सारे रीजंस दिए थे फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देने के बाद कि कोविड था, कोविड की वजह से उनके तकरीबन 30-35% एम्प्लॉइज को कोविड हुआ था, इसके वजह से उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ा और इस वजह से जो लॉसेस हुए हैं, ये कंपनी का कॉमेंट्री था। लेकिन इसके बावजूद इन द मीडियम टू शॉर्ट टर्न अगर हम देखें तो इतने शॉर्ट टर्न में ये कंपनी इतने जल्दी प्रॉफिटेबल होना मुमकिन नहीं है। तो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मीडियम टू शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव ही होने रहने वाली है। ओके, लेकिन सेल्स की बात करें तो सेल्स में तो ग्रोथ है और जितना एंटिसिपेशन लगाया जा रहा है कि नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन्स दे आर गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे, इसके वजह से फूड डिलीवरी के बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है ऐसे कहा गया है। वैसे देखा जाए तो इस बात में सच्चाई है। Zomato और स्विगी मिलके फूड डिलीवरी के मार्केट को कंट्रोल करती है, जिसमें Zomato का 50% अप्रोक्सीमेटली स्टेक है और स्विगी का 50% स्टेक है। तो Zomato का प्रोस्पेक्टस अच्छा है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है थोड़ा सा निगेटिव बायस है। तो सर, ऐसे कश्मकश में क्या किया जाए? क्या ये शेयर बाय किया जाए या इसको थोड़े समय के लिए थोड़ा वेट किया जाए? तो ऑलरेडी जिन्होंने आईपीओ में शेयर्स Zomato के जिन्होंने बाय किए हैं वो होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं है। लॉन्ग रन के लिए होल्ड कीजिए, क्योंकि आईपीओ की प्राइस जो थी वो बहुत ही सस्ती थी और उस प्राइस तक शेयर आने की संभावना बहुत ही कम है। तो इसके लिए आईपीओ में जिन्होंने शेयर्स लिए हैं वो लॉन्ग रन के लिए होल्ड कीजिएगा, दिस कैन बिकम अ मल्टीबैगर। लेकिन जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे माहौल में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा के बाहर निकलना है, तो यू कैन अवॉइड दिस शेयर। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबिलिटी ये शेयर में होने की संभावना थोड़ी सी कम है। हाँ, लेकिन अगर आप मीडियम या लॉन्ग टर्म नजरिए के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसमें आप एक काम कर सकते हो। एट प्रेजेंट आपको जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना है उसमें से 50% अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50% ठीक है। अगर कोई करेक्शन आ जाता है शेयर में, ठीक है, कोई गिरावट आ जाती है, तो उसके बचा हुआ 50% अमाउंट डाल के आप इसको लॉन्ग रन के लिए इसमें इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम कहते हैं कि ये मार्केट डियोपोली वाला है तो जरूर कभी ना कभी एक समय आएगा जिसमें Zomato स्ट्रेटजीज डेवलप करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की जरूर कोशिश करेगा। ठीक है, सो दिस वॉज माई टेक। सो फॉर आईपीओ इन्वेस्टर्स जिन्होंने आईपीओ में शेयर खरीदा है, दे कैन होल्ड आराम से, एंजॉय द लॉन्ग राइड। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है यू कैन अवॉइड दिस शेयर। मीडियम या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दे कैन इन्वेस्ट 50% ऑफ द अमाउंट जितना भी आपने डिसाइड किया है Zomato में 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया होगा, आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक आप अमाउंट डिसाइड कीजिए, उसमें से फिर 50% आप अभी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और 50% यू कैन वेट फॉर द करेक्शन टू कम। जैसी करेक्शन आ जाता है, ठीक है, सो करेक्शन आने के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ करेक्शन यू कैन बाय रेस्ट ऑफ दैट। ओके, हाँ, बट लास्ट थिंग, कुछ कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं मेरे जैसे, ठीक है, जो बोलते हैं नहीं, जब तक मेरे को 100% क्लियरिटी नहीं आता तब तक आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट, मेरे को प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कम प्रॉफिट हुआ तो भी चलेगा। तो ऐसे कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर जो है वो वेट कर सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा वेट कीजिए, वेट करके
आराम से ये शेयर खरीदने का मौका मिलने वाला है, ये शेयर कहीं पे भी भागी जाने वाला नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच मित्रों, ऐसे ही रिक्वेस्ट कुछ बच्चों ने और भी शेयर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, उन शेयर्स के ऊपर जैसे मुझे समय मिलता है तो मैं मेरे एनालिसिस के साथ आपके सामने फिर से आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।